बोलिए। जैसे ये लामा फेरा है, ठीक है, ये हीलिंग के लिए यूज होता है, हाँ और रेकी भी हीलिंग के लिए यूज होता है, जी, तो दोनों में फर्क क्या है फिर? ओके। देखिए, रेखी आप जानते हो, पता है आपको क्या है? कुछ हाँ कुछ कुछ पता है मुझे, कुछ पता है, सेकंड ठीक। लेवल तक कर चुका हूँ। हाँ, तो फिर तो काफी पता है। नहीं अभी अभी कह नहीं सकता ना कि ज्यादा पता है, कि जब तक उसके ग्रैंड मास्टर नहीं बन जाऊंगा तब तक नहीं कह सकता ना। नहीं, काफी पता है, मतलब रेकी, एक रेकी, एक लेमैन के लिए रेकी शब्द है बस, और हीलिंग मॉडल है। इतना है कि लेकिन अभी मदर जिसको मदर को हील करा था मैंने, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पता है। सिंबल्स पता है तो यू नो कि रेकी क्या है। ओके, रेकी में आप क्या करते हो? सिंबल्स को ड्रॉ करते हो, हाँ एनर्जी इन्वोक करते हो, और हीलिंग, यही हाँ होता है ना रेकी में, बेसिक यही है। फाइन, जी मैंने रेकी किया नहीं है, हाँ ओके, बट मुझे उसका बेसिक पता है। फाइन, दूसरी चीज क्या है, लामा फेरा में जो सिंबल्स हैं वो हम अपने ऊपर ड्रॉ नहीं करते, वो डायरेक्ट पेशेंट के ऊपर ड्रॉ। ओके, तो ओके जो सिंबल की जो पावर है वो आपको अपने ऊपर नहीं लेनी है, वो डायरेक्ट पेशेंट को दे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम बनना है, यू हैव टू बिकम ओनली अ मीडियम। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ मीडियम क्यों बने। आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग रेकी सीखते हैं, मैंने ये जो सुना है मैं वो बता रही हूँ। मैंने आपको पहले कहा मैंने रेकी नहीं सीखी है, तो मुझे उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स नहीं पता। मैंने वो बोल रही हूँ जो मैंने लोगों से सुना, कि रेकी करने के बाद काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप बीमार पड़ जाते हो, आपके ऊपर ये हो जाता है, वो हो जाता है, मैंने ऐसा सुना है। आई एम नॉट श्योर अब, ओके, जो यहाँ पर नहीं, कुछ बात आया था मैं वो बता ये पाई। चीज तो एस्ट्रोलॉजी में भी है। अगर आप किसी की कुंडली में घुसते हो तो उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर भी आता है, तो उसके लिए अपने आप को सेफ रखना पड़ता है। हाँ है ना, रखना हाँ पड़ता है ना। लामा फेरा में बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है, लामा फेरा बहुत फास्टेस्ट मोडेलिटी है अभी इस वक्त पूरी दुनिया, सबसे फास्ट हीलिंग इसी से होती है। चाहे ब्लैक मैजिक निकालना हो, चाहे किसी भी तरह की हीलिंग करनी हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, ओके, करियर हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, इन सब की हीलिंग इससे हो जाती अच्छा है। क्योंकि ये जो सिर्फ 12 सिंबल में पूरी हीलिंग आई हुई है, आप सोच के देखो, तीन फेज है इसके। एक जनरल हीलिंग होती है जो आपके एनवायरनमेंट के लिए होती है, दूसरी हीलिंग आपके मेंटल साइड पे होती है, जहां सारी नेगेटिविटी स्टोर होती है ना, यहीं से आती है अंदर हमारे, राइट, तो वो मेंटल साइड की हीलिंग होती है। उसके बाद आपकी फिजिकल बॉडी की हीलिंग होती है। अगर मैं और प्रिसाइज आपको समझाऊं, तो पहले आपने अपना स्पेस क्लीन किया, आपने अपना जहां हो वहां सब किया, उसके बाद आपने अपने राहु को क्लीन किया, उसके बाद आप अपने केतु को क्लीन कर रहे हो। ओके, सो वर्ड हम दे सकते हैं, हम समझने के लिए ये कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह से लेते हैं। पहले आप जनरल हीलिंग करते हो, फिर आप अपनी मेंटल हीलिंग करते हो, और उसके बाद आप फिजिकल हीलिंग। ये टोटल अच्छा तीन फेज में होती है, अच्छा स्टेजेस में जैसे होती हमारा है। रेकी में होता है, हमें 21 दिन के लिए पहले अपनी हीलिंग करनी होती है, फिर उसके बाद हम दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं कि अपने आप को सेफ रख लें। लामा में ये चीज नहीं है। लामा फेरा में आपको हीलिंग, आपको जब सिंबल्स बता दिए जाते हैं, उसके बाद आपका अट्यूनमेंट होता है, और आपको सिद्धिकरण दिया जाता है, जो मैं 21 दिन प्रेफर करती हूँ, और सबको बोलती हूँ 21 दिन करो, लेकिन कुछ को नहीं जमता तो 11 दिन भी इज ओके। ओके, उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर हीलिंग, और ये डेली नहीं हो कर सकते हो आप, ये आपको ऑल्टरनेट डेज कर। मतलब मैम डेली नहीं कर सकते मैं? डेली जैसे आप रेकी है या प्राणिक हीलिंग है या और भी मॉडेलिटीज है ना, आप डेली बेसिस पे कर लेते हैं ना हीलिंग्स इनकी, यस ये नहीं करते, ये आपको ऑल्टरनेटिव कर, बिकॉज ओके एक एक जो सिंबल है वो बहुत पावरफुल होता है। जब आप लोग करने लगोगे ना, मेरे पास ये इससे पहले वाली जो क्लास चल रही है ना, वहीं से इतनी चीजें आई हैं कि हमारी अचानक से तबीयत खराब हो, तो हम नेक्स्ट डे अब कैसे करें हीलिंग, सिद्धिकरण में ही हो गई। ओके क्यों? क्योंकि वो पावरफुल सिंबल्स इतने हैं कि वो आपकी सारी नेगेटिविटीज निकाल रहे हैं, सो आपको एनर्जी को काम करने के लिए टाइम देना पड़ता है। यू नीड टू गिव देम स्पेस, यू नीड टू गिव देम टाइम कि वो आपके ऊपर काम कर सके।
फाइन मुझे वैसे ओके। इसमें एक चीज अच्छी लगी, ये हाँ काले जी जादू के ऊपर भी असर करती है, जो जो मैंने सुना था अभी, जैसे किसी काम बन गया कुछ भी ना, काला जादू करा हुआ है उसके ऊपर असर करती है, तभी मैं इसकी तरफ अट्रैक्शन हुआ है मेरा इसका। चलो ठीक है, समझ गई।